हेलो गाइस, आई नो आपको समझ आ गया होगा आज का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद कि आज हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में गुरुग्राम में। जैसे पहले अफोर्डेबल हाउस लॉन्च होते थे, घर लॉन्च होते थे, तो लोग किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करके और कैसे कैसे पेमेंट उनका स्ट्रक्चर होता था वो सब समझ के पेमेंट कर दिया करते थे और बड़ा ईजी होता था सेगमेंट। बट अभी आगे क्या क्या चीजें हैं, कैसे डेवलपमेंट होनी है और क्या अफोर्डेबल आपके आने हैं और कौन कौन सी लोकेशंस पे आने की उम्मीदें हैं, वो सारी चीजों के बारे में आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सबसे पहली बात नए हैं मेरे चैनल पर, तो मैं आपको बता दूं गुड़गांव में मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं और मार्केट रिसर्चर हूं। जो भी बिल्डर्स के यहाँ पे इन एंड आउट जो भी बिल्डर्स लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ ट्रेवल कर ही रहा हूँ। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसे हम NPR भी कहते हैं। NPR यानी कि नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। इट्स अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि NCR इंडिया। और ये 27.6 किलोमीटर लॉन्ग है और 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो कि कनेक्ट करता है आपको द्वारका से गुड़गांव 80 सेक्टर तक। और ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है आपके NH8 के। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी, द्वारका एक्सप्रेसवे इंप्रूव्स कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव, प्रोवाइडिंग अ फास्टर रूट फॉर कम्यूटर्स ट्रेवलिंग बिटवीन दीज टू एरियाज। और रियल इस्टेट डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है इसके आने के बाद, यानी कि द एक्सप्रेस वे हैज़ सिक्योर्ड सिग्निफिकेंट रियल इस्टेट डेवलपमेंट अलॉन्ग इट्स कॉरिडोर विद न्यूमरस रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कमिंग अप इन द रीजन। इट हैज़ बिकम एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स डेस्टिनेशन। सो बिल्डर्स के जो इन एंड आउट भी हैं वो भी मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ उन चीज़ों के बारे में। अगर आप लोग अपने लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी प्लान आउट करना चाहते हो या आप होम बायर हो, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर कनेक्ट डायरेक्टली हो सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलेगी, एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा आने वाले टाइम में आपको इससे। मेरी ये जो रियल इस्टेट की जर्नी है इसके बारे में भी आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी एक्चुअली क्या किया था कि एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने भी इन्वेस्टमेंट की थी, बट वो इन्वेस्टमेंट मेरी थोड़ी ठीक नहीं साबित हुई। उसके बाद से ही मैं रियल इस्टेट रिसर्चर ही बन गया और मैंने चीज़ें खोजने की और ढूंढने की कोशिश की कि जो बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट स्टक होते हैं और जो टाइम पे वो लोग डिलीवरीज नहीं देते हैं, मैं मतलब एक एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे साथ जो बीती है वो आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि मैंने भी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था जिसके बाद मैं काफ़ी भुक्तभोगी रहा हूँ उसका। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे हेटर्स भी इसलिए गुड़गांव में मेरे बन गए हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर्स, बिल्डर्स, जो कि कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की आप नेगेटिविटी आप फैला रहे हो, इसके बारे में बता रहे हो आप। जो भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो मेरे नहीं, जो किसी और ब्रोकर्स के थ्रू जिन्होंने बुकिंग की थी कभी, और वो लोग आज भी इंटरेक्ट होते हैं मेरी इस वीडियो के थ्रू मेरे साथ, और वो अगर मेरे थ्रू और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर वो ग्रैब कर लेते हैं तो फिर वो अपने ब्रोकर से बोलते हैं कि आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताया था। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत होती है मार्केट के अंदर, बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें हिडन रखते हैं, बट मैं नहीं रखता हूँ। मैं इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्त भोगी हूँ और मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। मैं समझता हूँ कि कितना हार्ड अर्न मनी होता है आप लोग जो लगाते हो प्रोजेक्ट्स पे, जो भी है एक एक ढाई ढाई दो दो करोड़ के आज ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। कभी कभी इनकी वैल्यू भी 60-70 लाख रुपए हुआ करती थी, बट इन्फ्लेशन और एप्रिसिएशन भी आया है कुछ इस एरिया में। तो मेरे पास इन एंड आउट मेरे पास सारे रहते हैं बिल्डर्स के और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मतलब मैं अभी मेरी ज्यादा एज नहीं है, उसको लेकर के भी लोग मेरे से बहुत ज्यादा वो होते हैं, हेट करते हैं कि ये मार्केट में एक नया कौन आया है जो कि हमारी सबकी मार्केट खराब कर रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की कोई मार्केट खराब नहीं कर रहा, मैं बस सच बोलता हूँ, मेरा सच बोलना काम है। और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, अब कहाँ से आती है, लोग तो ये भी सोचते हैं कि इसको कैसे पता लग जाता है इन चीज़ों के बारे में, बट जो अंदर की बातें होती है वो तक मुझे पता होती है किस बिल्डर की क्या कमियाँ हैं और खामियाँ हैं। तो यही मैं इन्फॉर्म करने के लिए आपके पास यहाँ पर आपको रहता हूँ। और नीचे मेरा नंबर मेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं वीडियो में भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, आप प्लीज समझिए इस बात को। बट हाँ, आप अगर ऑन टेबल मेरे साथ आके बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आई एम श्योर 110% श्योर कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट अगर डाल रहे हैं, अपना हार्ड अर्न मनी अगर आप डाल रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको सारी नेगेटिव फीडबैक्स भी दे सकता हूं और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बता सकता हूं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई सब्जी या कोई माला नहीं है जो आप खरीदने ऐसी आ रहे हो मार्केट में और उसके बाद फिर आराम से कुछ खराब भी हो गया तो आप आराम से रह लोगे। नहीं नहीं, ये जिंदगी भर की कमाई है आपकी और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पैसा कमाने में, मैं जानता हूँ बॉस, इसलिए मुझे सबका पता है यहाँ पे कि कौन क्या माल लगा रहा है, कौन किस हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी दे रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज हो रही है, क्वालिटी क्या है किसकी, और वो डिलीवरी टाइम पे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, किसका क्या हिसाब किताब रहता है।
बट मैं वो सारी चीजें वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकता, ये आपको ऑन टेबल ही मेरे साथ बैठना पड़ेगा, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे आप किसी प्रोजेक्ट में आपने अपने लिए कोई बाइंग की हुई है, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, किसी में आपकी यूनिट है, तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत से प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि सारे बिल्डर्स यहाँ पे नेगेटिव हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से बिल्डर्स यहाँ पे अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छी डिलीवरीज भी दे रहे हैं, टाइम पे चीजें दे रहे हैं, और बहुत सारी वीडियोस है मैंने बना रखी है। और एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब भी आप कहीं पे भी बाइंग कर रहे हो, लाइक आप अभी तो हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा चल रहा है, डेवलपमेंट सब जगह हो रही है, रियल इस्टेट सब जगह एक्टिव हो रहा है, चाहे आप कहीं भी एरिया ले लो, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई एटसेट्रा, बहुत सारी जगह है। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि हर जगह आपको देख के ही प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, जो कि है आपका रेरा रजिस्टर्ड, वो प्रोडक्ट आपका रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उसके बाद और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जैसे किसी का सीसी है, ओसी है, तो आप कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्ट नंबर पे। आपको और ज्यादा एलैबोरेशन अगर चाहिए या एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, या किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप या किसी भी प्रोजेक्ट में स्टक हुए हुए हो, आपकी कुछ परसेंट ऑफ पेमेंट वहां गई हुई है, कैसे उसको पोर्ट करना है या कैसे उससे निकलना है, तो उसके बारे में भी हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं सही तरीके से, आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कनेक्ट होना ही पड़ेगा और आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी हमसे। और मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट एक ऐसे भी हैं मार्केट में जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत बिल्डर्स अच्छा काम भी कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जिसको अब एक आपका मैं एक नाम मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, सिग्नेचर ग्लोबल। तो सिग्नेचर ग्लोबल ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है मार्केट में। किसी टाइम पे वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में ही चीजें डिलीवर किया करता था, कुछ बिल्डर्स आज अफोर्डेबल ही देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्डर ग्रो नहीं कर पाए हैं, उनका टेस्ट ही यही रहा है, उनका वो जो रिलायबिलिटी है वो उन्होंने उसी कस्टमर्स फैन बेस के अपने अकॉर्डिंग रखी है, कि अफोर्डेबल सेगमेंट के जो बायर्स हैं वो उन्हीं का ध्यान रखते हुए चीजें डिलीवर करते हैं और लाते हैं। बाकी अभी कॉन्टिन्यूटी में क्या चीजें हैं, क्या आने वाली है, तो हाँ मैं सिग्नेचर ग्लोबल पे था, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। तो सिग्नेचर ग्लोबल अब प्रीमियम डील्स देता है, प्रीमियम आपका यूनिट्स बनाता है, और लग्जरी सेगमेंट में ही अब वो आ गया है, अब वो कोई अफोर्डेबल लॉन्च नहीं करता है। बाकी अपकमिंग और भी कुछ चीजें हैं और जो कि अभी मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूं, बट हाँ ये है कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि कहां कहां पर अभी अफोर्डेबल लॉन्च होने वाले हैं, कहां कहां पर आप अपने लिए अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक आपकी वेबसाइट होती है अफोर्डेबल सेगमेंट में, अगर आपको अपने लिए होम बाय करना है तो 4400 रुपीस का रेट चल रहा है यहाँ पे अभी अफोर्डेबल में, अगर आप अपने लिए घर लेना चाहते हो तो वो आपका वही 25-30 लाख के आपके हेर फेर में आ जाता है कहीं ना कहीं आपका अफोर्डेबल घर, जो कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होती है आपके लिए। और न्यू होम बायर्स को जरूर देखना चाहिए ये, जो भी लोग गुड़गांव में ट्रेवल कर रहे हैं, या जो भी लोग गुड़गांव में काम करते हैं, या जो भी लोग गुड़गांव रहना चाहते हैं, अपने माइग्रेशन देख रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो उनको एक बार अफोर्डेबल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो कि रियल इस्टेट्स में मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है, मैंने यहाँ पे देखा है कि कैसे क्या क्या लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग कैसे क्या यूनिट सेट बिठानी है। बहुत सारी यूनिट्स इसके अंदर यहाँ पे ऐसी भी आती हैं कि अफोर्डेबल में अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जो आपके नोन है, जो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदारी में हैं, जो लोग प्रॉपर्टी जिन्होंने नई नई बाई की है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, उनको मेरा नंबर जरूर देना, ताकि आगे भी अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, या अगर वो उस प्रॉपर्टी में कुछ अप्रिसिएशन ऑफ अमाउंट चाहते हो और उससे निकलना चाहते हो, तो उसकी हेल्प हो सके। और मैं जानता हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, और वो कोई MNC कंपनी में कोई जॉब करने वाला हो सकता है, कोई अच्छा CA भी हो सकता है, कोई बड़ा एडवोकेट भी हो सकता है, या कोई जज भी हो सकता है, या कोई भी किसी भी फील्ड का इंसान हो सकता है। तो अगर आप आज मैं बता रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और मैं कह रहा हूँ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक कोई प्रैंक वीडियो नहीं मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कोई मैं फनी चैनल नहीं क्रिएट करता हूँ, ये चैनल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है आप लोगों के लिए, और ये मैं साबित कर सकता हूँ एक टाइम आने के बाद। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने लिए अभी आगे आपने लाइफ में आपके इतने डिसीजंस नहीं है, और अभी आपने नहीं सोचा है कि आगे क्या है, कैसे है, क्या करना है, चीज़ें आगे इतनी महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको अपडेट कर सकता हूँ कि कैसे कैसे क्या पेमेंट सेगमेंट आप चूज करके आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये भी है तो भी आप एक प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो गुड़गांव में, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ इस चैनल के थ्रू, आप एक अच्छे इन्वेस्टर
भी बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अफोर्डेबल जो आने वाले हैं वो कहाँ कहाँ आने वाले हैं, आप कहाँ कहाँ पर नई अपनी बाइंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे नंबर मेरा मेंशन है, आप आ सकते हो, डिसकनेक्ट हो सकते हो, ऑफिस में आ सकते हो, ऑफिस बैठ के बात कर सकते हैं, बाकी फ़ोन पे तो बात कर ही सकते हैं। गुड लक।